This is Seventh Heaven, a project by Dynasty Developer. Hello friends, welcome to Landmark Homes. आज मैं हूँ धानोरी में और हम रिव्यू करने वाले हैं 2 BHK रेडी टू मूव फ्लैट का जो कि है सेवेंथ हेवन में। ये है बिल्डिंग का एलिवेशन। तो मेरे साथ है अभी युगल जी, चलिए वेलकम करते हैं युगल जी को और समझते हैं इस फ्लैट के बारे में। हेलो युगल सर। हाय सर, हाउ आर यू? आई एम गुड सर। इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा डिटेल्स में हमें समझाएंगे सर? सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ प्रोजेक्ट के बेस्ट पार्ट USPs के साथ। सो आज जिस स्टेज पे हैं सर हम, सेवेंथ हेवन में प्रॉपर्टी इज इन रेडी पोजिशन। ओके, सो आज आपका क्लाइंट बुकिंग करता है, आज से एग्जैक्ट विद इन 10 to 15 days हम रजिस्ट्रेशन प्रोसीड करते हैं एंड कमिंग विद इन 15-20 days में हम की हैंड ओवर करते हैं। यानी क्लाइंट को बुकिंग के विद इन 30 to 40 days, मैं हार्डली 40 days बोल रहा हूँ सर, 40 days के अंदर अंदर हम क्लाइंट को की हैंड ओवर कर रहे हैं। ओके, प्रॉपर्टी बिल्कुल रेडी पोजिशन में सर। सो इसके क्या क्या कारपेट है थोड़ा हमको बताएंगे, मतलब किस कारपेट रेंज में है आपके 2 BHK? सर यहाँ पे हमारा जो प्लान है वो पूरा 2 BHK के ही प्लान है, देर इज नो 1 BHK, देर इज नो 3 BHK। सो दो साइजेज है हमारे 2 BHK, एक 765 square feet के हमारे कॉर्नर के फ्लैट हैं जो लार्ज फ्लैट्स हैं, सेंटर के जो 4 flats हैं वो 721 square feet के हैं सर, जो मीडियम फ्लैट है। लेकिन ओवरऑल आप दोनों के आप देखोगे फ्लैट्स कारपेट, आप एक्चुअल फ्लैट में आप विजिट करोगे दोनों में बहुत नॉमिनल डिफरेंस है। सो हमारे ओवरऑल आप देखेंगे हर एक फ्लोर पे हम 8 flats दे रहे हैं। ओके, सो सारे फ्लैट के टेंटेटिव अगर आप देखेंगे तो सारे हमारे पास लार्ज 2 BHK ही हैं, 2 BHK के वेरिएंट्स। सर यहाँ पे पानी का सिस्टम कैसा है? पानी सर कॉर्पोरेशन वाटर है, बोरवेल वाटर है, पानी हमारे पास आज सफिशियंट है सर, पानी का कभी कोई कंसर्न हमारे प्रोजेक्ट पर नहीं है सर। ओके ओके, थैंक यू युगल जी आपके इंफॉर्मेशन के लिए। और अभी थे हम युगल जी के साथ, हमने काफ़ी इंफॉर्मेशन लिए युगल जी के साथ, तो आगे जाके देखते हैं हम इसके सैंपल फ्लैट को। अभी हम हैं लिविंग रूम में, साइज है इसका 10 x 16 square feet और लिविंग रूम के साथ अटैच्ड है बालकनी। और बालकनी की साइज की बात करूं तो यह है 6 x 4.6। अभी हम हैं किचन में, किचन में मिलेगा आपको किचन ट्रॉली विथ मॉड्यूलर इक्विपमेंट्स, साइज की बात करें तो किचन है 8.5 x 8.7, अटैच है ड्राई बालकनी। ड्राई बालकनी की बात करूं तो यह है 8.5 x 3। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करें तो ये स्ट्रक्चर है ROC अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, 6 inch ACC ब्लॉक यूज किए गए हैं, प्लास्टर है जिप्सियम फिनिश। ये है आपका कॉमन टॉयलेट, साइज है इसका 8.6 x 4, फिटिंग्स यहाँ पे यूज किए गए हैं जैगुआर के। किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए ऊपर दिए हुए नंबर पे कॉल करें। चलिए चल के देखते हैं इसके चिल्ड्रंस बेडरूम को, साइज है इसका 10 x 11। बेडरूम में दिए गए हैं वुडन फ्लोरिंग फिनिशिंग टाइल्स। चलिए चलते हैं इसके मास्टर बेडरूम की तरफ, साइज है इसका 10 x 13। ये है काफी स्पेशियस, जिस तरह से मैंने कहा था बेडरूम में दिए गए हैं वुडन फ्लोरिंग इन बोथ द बेडरूम। ये है अटैच्ड वॉशरूम, साइज है इसका 4 x 8। मास्टर बेडरूम के साथ मिलता है आपको अटैच्ड बालकनी, साइज है 10 x 3.3। ये प्रोजेक्ट है कंप्लीट ईस्ट एंड वेस्ट फेसिंग, दोनों तरफ से आपको ओपन लैंड देखने को मिलेगा, वेंटिलेशन का आपको कोई इशू नहीं होने वाला। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आखिरी में देख लेते हैं इसका 3D फ्लोर प्लान। प्रोजेक्ट के किसी भी जानकारी के लिए आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।